ओके, आई होप आई एम ऑडिबल नाउ आई होप आई एम ऑडिबल नाउ ठीक राधे राधे मानिक अब अब आवाज आ रही है प्लीज एक बार मुझे बता दीजिए इफ आई एम ऑडिबल नाउ अब आवाज आ रही है चलो परफेक्ट परफेक्ट हाँ तो मैं इसी बात पे रैंट कर रहा था कि भाई जब पढ़ाई का पूरा सेशन है तो उससे पहले जीवन साथी डॉट कॉम का एड दिखाने का क्या जरूरत है क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कि ये ये गूगल हमारे साथ क्या खेल खेलना चाह रहा है हम चाहते हैं जुडिशरी जुडिशरी की पढ़ाई करें करें पे फोकस करें, लेकिन गूगल हमारे माता पिता की तरह हमें जीवन साथी डॉट कॉम की तरफ ठीक है शादी डॉट कॉम की तरफ मैट्रीमोनी की तरफ घुमा देता है तो ये जो एड होते हैं काफी डिस्टर्बिंग होते हैं ठीक है परफेक्ट प्रेजेंट ओके सब कुछ क्लियर है एकदम धक्का चलो लेट्स गेट स्टार्टेड गुड आफ्टरनून टू यू ऑल माय नेम इज शुभम उपाध्याय शुरू करते हैं देखो आज का जो पूरा सेशन है छोटा सा एक मैंने सेशन रखा प्लान करने के पीछे का रीजन ये है कि कल से ही मुझे डायरेक्ट मैसेजेस पे इनफैक्ट कल नहीं बहुत समय से मुझे डायरेक्ट मैसेजेस पे टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ, आ रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स आ रही थी प्रॉब्लम जेन्युइन थी प्रॉब्लम कांस्टेंट थी कि सर बहुत सारी वैकेंसीज नोटिफाइड है ठीक है ये तो फंडा हमें पता है ये तो चीज हमें भी मालूम है ये ज्ञान तो हमारे पास भी है कि बहुत सारी जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस की वैकेंसी है वो नोटिफाइड हो रखी है लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम ये नोटिफाइड वैकेंसी पे जाएं तो ये नोटिफाइड वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है अब भाई आगे मैं डिस्कस करूंगा ये जो ये तो चीजें आप लोगों को पता है बहुत सारी जगह से हमें ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी मिलती ही रहती है कि कौन से एग्जामिनेशंस आने वाले हैं तो इस पूरे सेशन का यूज क्या है वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल ये पूरे सेशन का यूज क्या है ये सेशन अगर आप आज समझ जाओगे तो आपका बहुत समय बचेगा बहुत ज्यादा टाइम आप बचा लोगे इफ यू अंडरस्टैंड की व्हाट दिस सेशन इज एक्चुअली अबाउट बिफोर दैट मेक हल्का सा एक अनाउंसमेंट कर दूं हमारा जो सारथी बैच चल रहा है बैच में, में 31 तक का एरिया कवर हो गया है। आज हम थर्टी टू से फोर्टी तक का एरिया कवर करेंगे तो कर उन्होंने भी अपने अपने सो यू कैन ज्वाइन जस्ट यूज द कोर्ट जेडब्लू टेन ठीक है so join, JW10, मेरी स्पेशल क्लास अभी होने वाली है दो बजे उसके लिए आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं वो मैं आपको बता दूंगा दो

रखा गया है सेशन इसके पीछे का यूज क्या है यूज सिंपली ये है कि आप लोगों की पहले तो मैं ये बता दूं कि नोटिफाइड वैकेंसीज कौन कौन सी हैं हैं या जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट कर सकते कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं ठीक सो so, देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके तीन डेट्स आपके पास है ठीक है यू हैव गॉट थ्री डेट्स बहुत ध्यान से समझना क्योंकि स्टूडेंट्स यहीं पे टाइम वेस्ट करते हैं वो टाइम वेस्ट में नहीं चाहता कि आप करो ठीक है यूके के लिए आर यू स्टार्टिंग समथिंग ऑन ऐप और अपराजिता अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका आपको अपडेट मिल जाएगा बच्चे ये क्योंकि थोड़ा सा कंसर्न अलग है इसलिए हम इसे एड्रेस ठीक है वरना अदरवाइज स्टे कनेक्टेड कनेक्टेड विद मी ऑन टेलीग्राम डेफिनेटली कुछ ना कुछ मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा डोंट वरी ठीक नाउ अंडरस्टैंड एग्जाम कौन कौन से आ रहे हैं भैया एग्जाम आ रहा है आप लोग का यूके का एग्जाम आ रहा है आपका महाराष्ट्र का और एग्जाम आ रहा है आपका गुजरात का ठीक बहुत ध्यान से समझना इधर नंबर ऑफ वैकेंसीज कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है और इसमें तो कुछ बंपर कुछ ही कुछ ही नंबर की एक अलग ही टाइप का नंबर है यहाँ पे अंडरस्टैंड दिस व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट फॉर यू ठीक अच्छा ये तो एग्जाम जिनकी डेट है हमारे पास ऐसे एग्जाम जिनकी अभी तक कोई डेट नहीं आई है तो भाई ब्रॉडली वहां पे हमारे पास एक ही एग्जाम है एमपी सिविल जज का ठीक एक है जिसकी सिर्फ सी हमें नोटिफाई कर दी गई है तो भैया उस पर है हमारे पास राजस्थान जुडिशियल आपको ऐसा कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं जो आपके पास ऑलरेडी नहीं है मैं आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं जो आपको एक्चुअली अप्लाई करनी चाहिए इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप ढंग से पढ़ाई कर सको ठीक ध्यान से समझना ये वेकेंसी की डेट आ चुकी है एग्जाम्स की यहां पे इसकी डेट नहीं आई है एक्सपेक्टेड है कि मार्च थर्ड वीक तक 19th ऑफ मार्च या लास्ट वीक ऑफ मार्च या अप्रैल तक ही एग्जाम होने की चांस है एमपी का राजस्थान भैया पहले ही नोटिफाई कर चुके हैं कि हम तो दिसंबर तक एग्जाम लेंगे ध्यान से समझना ध्यान से समझना इसके बाद जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशनस हैं उड़ीसा वगैरह को अभी अपन कंसिडर नहीं कर रहे हैं ब्रॉडली हम लोग नॉर्दर्न बेल्ट पे फोकस कर रहे हैं बट ये yes, अगर आप देखना चाहो या कर्नाटका के लिए देखना चाहो या फिर लेट्स से फॉर एग्जांपल आंध्र के लिए देखना चाहो तो एक्सपेक्टेड है यस ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है कि जल्दी ही सिविल जज की एग्जामिनेशन अपने अपकमिंग में अपकमिंग में हमारे पास सबसे पहले तो आता है यूपी जुडिशियल सर्विस ठीक है जिसको हम यूपी पीसीएस भी बोलते हैं दूसरे नंबर पे आता है आपका डेली जुडिशियल सर्विसेस जो कि कभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसका एग्जाम आ जाएगा तीसरे नंबर पे आता है आप लोगों का बिहार जुडिशियल सर्विस ठीक अब बहुत ध्यान से समझो क्योंकि यही तुम्हारे काम की बात है वेन यू लुक एट इट आपको लगेगा कि यार इतने सारे एग्जाम्स हैं इतने सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन कैसे होगा इतने सारे एग्जाम्स का प्रिपरेशन आपको नहीं करना है डोंट मेक दैट मिस्टेक दैट एवरी अदर जुडिशरी सबसे बड़ा ब्लंडर लोग करते हैं कि यार उत्तराखंड का तो डेट आ रखा है चलो उत्तराखंड भी दे ही देंगे फिर साथ में गुजरात भी देखो डेट आई गई है तो यार गुजरात का भी फॉर्म फिलिंग तो बनता है नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज्यादा है तो वो भी भर देते हैं ठीक है महाराष्ट्र अगर देना होगा देख लेंगे एमपी भी साथ में आई रहा है भर ही दिया है वो भी दे देंगे अच्छा राजस्थान की वैकेंसी नोटिफाई हो गई है चलो भैया सब लोग राजस्थान के लिए पढ़ाई कर लेते हैं यहाँ गुजराती सीख लेते हैं यहाँ पे पीसीएस जे की पढ़ाई कर लेंगे दिल्ली भी पढ़ लेंगे बिहार भी पढ़ लेंगे और कुछ हुआ तो और दूसरे स्टेट जुडिशियल एग्जाम दे देंगे झारखंड यस एग्जैक्टली ये सबसे बड़ा ब्लंडर है सबसे बड़ा ब्लंडर है आपको हो सकता है ऐसा लगे कि शुभम सर आप तो कभी नेगेटिव बोलते ही नहीं हो ये कैसे नेगेटिविटी आ रही है भाई ये नेगेटिविटी इसलिए है मेरे बच्चे क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि यहां जितना तुम लोग भागोगे जितना तुम लोग भागोगे उतनी ही तुम्हारी जुडिशरी एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी खत्म क्या कम होती जाएगी आपको ऐसा लगता है कि मैं एक साथ दो से तीन से चार से पांच छह एग्जाम्स में अपीयर होऊंगा, मेरी प्रैक्टिस ही तो होगी कोई नुकसान नहीं है हाँ बिल्कुल अपियर हो आपकी प्रैक्टिस भी होगी कोई नुकसान भी नहीं है लेकिन जो दिमाग फंसता है उतने देर के लिए अच्छा एक, एक, एक से मैं बताता हूं मान लो कि तुम्हारा पूरा जो प्राइमरी फोकस है वो डेली जुडिशियल सर्विसेज पे है और हरियाणा पे है अगर तुम एमपी पे नजर गड़ा के बैठे हो उसकी तरफ भागोगे फिर उसी में छत्तीसगढ़ की डेट आ गई वहां भागोगे फिर झारखंड की डेट आ गई फिर वहां भागोगे बीच में यूपी आ गया वहां भागोगे तुम्हारा दिल्ली और हरियाणा नहीं निकलेगा ऐसे नहीं निकलता एग्जाम यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज ठीक है एग्जैक्टली exactly, एग्जैक्टली exactly, समझना जरूरी है यही जो पूछा है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि से लाइफ में अगर खुदा ना खासा एक से ज्यादा बार ज्युडिशरी का एग्जाम देना पड़ा तो कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं होगा वो तीन रूल्स पकड़ लो जब भी आपके पास ऐसा हो कि सर ये सारी वैकेंसीज़ हैं कुछ की सर डेट आई हुई है हमने फॉर्म भरा है कुछ की सर डेट ही नहीं आ रही है हमारा दिमाग खराब हो रहा है सर वैकेंसी अनाउंस हो गई है डेट में भी बहुत टाइम है और सर कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो हमारे साथ लुक्का छुपी खेल रहे हैं हम इन एग्जाम्स के लिए क्या करें तो जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबका एक ही मेन कंसर्न होता है कि सर चलो जिसकी डेट आ रखी है वो तो हम लोग पढ़ लेंगे जिसकी डेट नोटिफाई नहीं हो रही है उसका क्या करें ध्यान से समझो ध्यान से समझो तीन चीजें और उन तीनों चीजों पे फोकस कर लो आप अपने आप डिसाइड कर पाओगे कि आपको कौन से एग्जाम्स में अपीयर होना है समझना इस चीज को व्हेनेवर यू आर अपीयरिंग इन एनी एग्जामिनेशन जब भी आप किसी एग्जामिनेशन में अपीयर होने का सोच रहे हो कभी भी बहुत हो रहा है तो दो स्टेट से ज्यादा पे फोकस मत करना और अगर मैक्सिमम तुम्हें स्ट्रेच देना है तो तीन स्टेट से ज्यादा तो किसी हालत में नहीं होना चाहिए दो स्टेट्स हमेशा तुम्हारे बंडल होने चाहिए स्मार्ट स्टूडेंट वो है जो एटलीस्ट दो स्टेट्स को अपने बंडल में रखे बंडल में रखने का मतलब होता है कि दो स्टेट्स का प्रिपरेशन वो रखे ध्यान में कि कि हाँ, दो स्टेट्स स्टेट्स के लिए मैं फाइट करूंगा लेकिन सबसे बड़ी गलती ये है कि अगर आप चार को देखोगे पांच स्टेट्स को देखोगे, देखोगे छह स्टेट्स को देखोगे तो आप सिर्फ डेस्परेट हो रहे हो इसमें एग्जाम निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती नहीं है कम हो जाती प्रॉब्लम क्या होगी प्रॉब्लम यह होगी कि अगर आप एमपी छत्तीसगढ़ को टारगेट कर रहे हो पंजाब हरियाणा को टारगेट कर रहे हो राजस्थान गुजरात को टारगेट कर रहे हो और इनके अलावा किसी भी दूसरे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भागे तो वहां के जितने भी अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट हैं जितने भी अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट्स हैं या फिर वहां के जितने भी लोकल लॉज हैं वो आपके मेन टारगेट का टाइम किल करते हैं वो आपके मेन टारगेट का टाइम खा जाते हैं और यही चीज हमारे समझ से परे हो जाती है ठीक है एग्जैक्टली exactly. किसी में क्लियर नहीं कर पाओगे ये fact है अगर आप अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वक्त को अलग अलग जगह पे लगाओगे तो आप कभी भी, कभी भी भी एक जगह पे फोकस नहीं कर पाओगे ठीक भाई या तो ढंग से बैट्समैन बन लो या फिर ढंग से बॉलर बन लो ठीक ऑलराउंडर बनना बहुत मुश्किल होता है और वही ऑलराउंडर अगर विकेट कीपर भी कर मतलब विकेट कीपिंग भी करने चला जाए तब तो वारे निहारे ऐसा नहीं होता जुडिशरी में सिंपल रूल लगाओ कि भाई मेरे पास एक सेट स्टेट्स स्टेट्स हैं मैं दो से ज़्यादा एक बार पे टारगेट नहीं करूंगा और मैं उन्हीं स्टेट्स पे फोकस करूंगा तीसरी चीज अगर मुझे जाना भी होगा तो मैं, मैं मैक्स टू मैक्स एक थर्ड स्टेट को टारगेट कर सकती हूं इससे ज्यादा मैं टारगेट नहीं करने वाली हूं क्योंकि मेरा दिमाग खराब होगा मेरा ध्यान डाइवर्ट होगा मेरा माइंड फोकस नहीं हो पाएगा जैसे ही वैकेंसी आएगी फिर से हो हल्ला मचेगा फिर से हड़कंप मचेगा अभी अभी अगर कल को उत्तर प्रदेश की वैकेंसी आ गई कल को बिहार की वैकेंसी आ गई कल को लेट्स से फॉर एग्जामिनेशन फॉर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़ की झारखंड की वैकेंसी आ गई आपका दिमाग आउट हो जाएगा यू वोंट बी एबल टू फोकस ऑन एनी ऑफ दीस एग्जामिनेशंस तो इतनी चीज समझ लो कि सिंपल सी चीज है दो स्टेट से ज्यादा टारगेट नहीं करना है और मैक्सिमम अगर करना है तो तीन स्टेट्स तक करो इससे ज्यादा नहीं चार पांच छह टारगेट्स को तो करना नहीं है स्टेट्स दूसरी चीज जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि ये स्टेट्स आपको टारगेट करने हैं या अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है कि ये सर ये जो दो स्टेट्स आप बोल रहे हो या जो तीन स्टेट्स आप बोल रहे हो इसको कैसे सिलेक्ट करें तो सिलेक्ट करने के तीन रूल्स हैं पहला रूल एग्जाम का सिलेबस देखो एग्जाम का सिलेबस देखो अगर तुम यूपी टारगेट कर रहे हो और राजस्थान के पीछे भागे तो वही बात है चौबे जी गए छब्बे बनने दूबे लौटे हालत खराब हो जाएगी। दिक्कत हो जाएगी जाएगी दिक्कत क्यों क्योंकि राजस्थान के अपने अलग टंटे हैं और उत्तर प्रदेश के अपने अलग जीके और लोकल लॉज हैं। तो प्रॉब्लम यही आएगी कि ना तो आप वहां के रहे ना यहां के रहे जो भी स्टेट आपको सिलेक्ट करना है दो स्टेट चाहे तीन स्टेट जो भी स्टेट आपको सिलेक्ट करना है उसका सबसे पहले सिलेबस देखो अभी तुम्हारे लिए यहां पे सॉल्व किए देता हूं सीधा सा हिसाब अगर आप टारगेट कर रहे हो तो आप इस पैटर्न में टारगेट्स करो जैसे कि यूपी पीसीएसजे, बिहार जुडिशियल सर्विसेस एंड इवन यूके पीसीएस या यूके जुडिशरी उत्तराखंड जुडिशरी इसके जो पैटर्न्स हैं वो लगभग लगभग सेम है सेम नहीं है लेकिन हाथ ये तीनों ही स्टेट्स जीके प्रोमिनेंट हैं उत्तराखंड उतना नहीं है लेकिन यस यूपी और बिहार हैं यहां पे भी करंट लीगल नॉलेज के और पॉलिटी बेस्ड और करंट लीगल डेवलपमेंट्स और करंट केसेस से रिलेटेड यहां पे भी आपके क्वेश्चंस आते हैं सो आप अगर बंडल बनाओ तो बंडल में आपके पास फोकस करने के लिए तीन स्टेट हो जाएंगे ऐसे स्टेट आप सिलेक्ट करो दूसरा एग्जाम्पल अगर दूसरा कोई बंडल बनाना है तो ये बना लो एमपी का बना सकते हो छत्तीसगढ़ का बना सकते हो राजस्थान का बना सकते हो ठीक एक ये बंडल आप लोगों का बन सकता है तीसरा बंडल दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का बना सकते हो हरियाणा का बना सकते हो और अगर गुरुमुखी आती है तो पंजाब जुडिशियल सर्विस को टारगेट कर सकते हो ये अलग अलग डिवीजन इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि आप इनको अगर टारगेट करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लियरिंग द एग्जामिनेशन विल बिकम वेरी वेरी लेजिटली हाई तो क्या करना है आजी अभी पहले सिलेबस देखो ये देखो कि भैया किसी भी स्टेट का सिलेबस कैसा है उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लो ये तो मैंने आपको स्टैंडर्ड बंडल्स दिए इन स्टैंडर्ड बंडल्स के अलावा भी आप चाहो तो अपने स्टेट सिलेक्ट कर सकते हो लेकिन ये जनरली सिमिलर सिलेबस के होते हैं सिमिलर जहां पे एक जगह पे जीके बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है एक जगह से बैराट रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं एक जगह से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं ऐसे अगर टारगेट करोगे तो बहुत ज्यादा डाइवर्ट होने की चांस खत्म हो जाएगी रूल नंबर वन रूल नंबर टू क्या है इसके बाद रूल नंबर टू आता है आपका कि आप नोटिस करेंगे कि भाई किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट स्टेट में सब्जेक्ट्स का सब्जेक्ट का पैटर्न कैसा है या एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है व एग्जाम पैटर्न भाई कहीं पे पेपर आ रहा है तीन सौ नंबर का कहीं पे पेपर आ रहा है डेढ़ सौ नंबर का कहीं पे पेपर आ रहा है दो सौ नंबर का अब हम कहीं पे आ रहा है सौ नंबर का अब हम हर, हर जगह नहीं भाग सकते हम हर जगह नहीं भाग सकते प्रॉब्लम समस्या इसमें नहीं है कि पैटर्न अलग अलग है

तो इस पे फोकस कर लो कि भैया हर एग्जाम का पैटर्न कैसा है ठीक और फिर डिसाइड करो कि विच ऑफ द पैटर्न नेगेटिव मार्किंग नो नेगेटिव मार्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कैरिंग हाउ मच हाउ मच मार्क्स हर क्वेश्चन के कितने नंबर मिलेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक क्वेश्चन एक नंबर का है फिर दूसरा पार्ट है जिसमें एक क्वेश्चन दो नंबर का है जैसा यूपी में चलता है हिसाब किताब जीके का अलग लॉ का अलग ठीक अगर यह है तो यह मार्किंग स्कीम भी पहले समझ लो आज ही समझ लो और कल से डिसाइड कर लो कि कौन से स्टेट्स को टारगेट कर रहे हो और तीसरा रूल और सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल जो होता है दैट इज योर सिलेबस योर पैटर्न एंड थर्ड इज हर एरिया में हर एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट्स का वेटेज देख लो सब्जेक्ट्स का वेटेज देख लो कि भैया कौन से सब्जेक्ट कितने नंबर के आते हैं या स्टैंडर्ड तरीके से कितने नंबर के पूछे जाते ठीक ये चीज ध्यान में रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये देख सकते हो कि वेटेज कितना है अगर आप ये देख सकते हो कि अच्छा कोई एक सब्जेक्ट है जिसका वेटेज एमपी में बहुत कम है या फिर कोई एक सब्जेक्ट है जिसका वेटेज यूपी में बहुत ज्यादा है तो क्या मैं जब बिहार जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूं क्या मेरे लिए सेम रूल एप्लीकेबल होगा नहीं होगा तो पहले तो आप सब्जेक्ट वेटेज पकड़ लो कि हर सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज आता है नॉट जस्ट इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑल्सो इन मेन्स एग्जामिनेशन जब एक बात बताओ यार एक बात बताओ अभी तुम्हें क्लैरिटी पूरी क्लैरिटी आ जाएगी अगर तुम्हें अगर तुम्हें जज बनना है तो बेहतर होगा कि जो आपके नेटिव स्टेट्स हैं अगर आप उनमें जज बने तो दैट इज वेरी मच कंफर्टेबल फॉर यू रीजन बताता हूं क्यों? क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने से पहले अपनी आंख बंद करके सोचना ठंडे दिमाग से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देने से पहले अपनी आंख बंद करके ठंडे दिमाग से सोचना कि क्या तुम मेंस के लिए प्रिपेयर्ड हो

अगर उसी सेम टाइम पे तुम जो दो स्टेट्स टारगेट कर रहे थे और ये तो तीसरा तो सब्सिडरी था अगर उसकी वेकेंसी आ गई तब क्या करोगे मन में आएगा भूचाल सीधा हिसाब ठीक फिर दिक्कत होगी फिर आपको प्रिपरेशन करने में फिर आपको अपना टाइम टेबल सेट करने में फिर आपको अपना पूरी दिनचर्या सेट करने में डिफिकल्टी आएगी सही बोल रहा हूं ये हुआ होगा ना पहले कभी ना कभी आप लोग के साथ ये आपने लोगों के साथ होता हुआ देखा होगा सही बोल रहा हूं तो यस सर तो बोल दो भाई भाई बोल दो ठीक हिमाचल के लिए उर्वशी हिमाचल में भी टाइम है ठीक बट यस वील बी डिस्कसिंग दैट एज वेल ये चीज सही बोल रहा हूं भाई भाई लिख दो भाई हाँ एग्जैक्टली exactly, अपराजिता यही पॉइंट है दैट्स वाई दैट्स वॉट आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स हर बार ब्लाइंडली बस चले जाते हैं कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के आएंगे हो 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 भाई अगर उसका प्री निकला तो मेंस में क्या करेगा मेंस का पैटर्न तो हर स्टेट में अलग आता है अब क्या करोगे तुम मान लो कि तुम्हारा डेली जुडिशियल सर्विसेज का प्री निकल गया ठीक और तुम्हारा नेटिव स्टेट है यूपी और अगर इनका टाइम कहीं पर भी आगे पीछे कोलाइड कर गया फिर क्या करोगे फिर किसी एक स्टेट का प्री पढ़ोगे किसी दूसरे स्टेट का मेंस पढ़ोगे या किसी तीसरे स्टेट की वेकेंसी से बावले हो जाओगे कुछ ना कुछ तो होगा ये पंडा समझो और जहां नहीं भागना है वहां जबरदस्ती मत भागो क्योंकि अदरवाइज तुम्हें नुकसान होगा ये तुम भी जानते हो ये मैं फिर बाद में फिर मैं वही कहूंगा कि यार मैंने तो पहले ही कहा था वही जो आंटियों वाले डायलॉग होते हैं वो मैं बोलूंगा अंटी वाले के अंकलों वाले भी सेम डालेंगे बेटा हमने तो तुम्हें तो पहले ही बोला था हम तो पहले से ही जानते थे यही होगा तो यही होता है बेटा इसीलिए ये गड़बड़ मत कर मत करो जिस एग्जामिनेशन का मेंस तुम पूरी शिद्दत से देना चाहते हो उसके प्रीलिम्स में अपीयर होना अदरवाइज इसके लिए तुम अलग से मेहनत करोगे इसके लिए तुम अलग से दौड़ोगे ये सबसे बड़ी गलती होती है मेंस के लिए अलग से नहीं दौड़ा जाता सी नोटिफाई नहीं, नहीं हो रही है जब तक एग्जामिनेशन की डेट फिक्स नहीं हो रही है तब तक क्या करें शुभम सर सिंपल सा रूल है एक चीज कर लो बस एक चीज कर लो जब तक तुम्हारी डेट नोटिफाई नहीं होती एक दिमाग एक चीज दिमाग में कान खोल के अपने ज्ञान चक्षु खोल के भर लो कि जब भी डेट नोटिफाई होगी उससे तुम्हें मिलेंगे थर्टी डेज तुम्हें एटलीस्ट थर्टी डेज का समय मिलता ही है चाहे पीएससी एग्जाम करवाए चाहे हाईकोर्ट एग्जाम कराए थर्टी डेज का समय मिलता है मतलब अगर वैकेंसी एक तारीख को आई तो एग्जामिनेशन तीस या इकतीस तारीख से पहले नहीं होता समझ में आया इसका मतलब समझ रहे हो उसकी जरूरत क्या है इसकी जरूरत यह है कि भाई साहब Prelims के हिसाब से तैयारी मत करो तैयारी करनी है तो मेंस के हिसाब से करो डिवाइड योर कंप्लीट डे इनटू टू पार्ट्स आपके दिन को दो पार्ट्स में डिवाइड करो प्रीलिम्स एंड मेंस सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो प्रीलिम्स का जीके कवर कर सकते हो प्रीलिम्स के हिसाब से बेराट सेंट्रिक थोड़ी सी पढ़ाई कर सकते हो अगर

आप थोड़ा सा एक मेहनत वाला काम कर सकते हैं रिलैक्सिंग बट मेहनत वाला तो शाम के समय दो चीजें करनी है पहली चीज मेन्स आंसर राइटिंग की आंसर राइटिंग की आंसर राइटिंग भी कैसे करनी है दो क्वेश्चन डेली दो क्वेश्चन देख के लिखो देखो दो क्वेश्चंस को पढ़ो और पढ़ पढ़ के उसके आंसर फॉर्मेट में कॉम्प्रेहेंसिव नोट्स बनाओ ये yes, देख करके और दो टॉपिक्स को पढ़ो और उनका आंसर लिखो दो टॉपिक्स पढ़ करके उन पे एक आंसर लिखना है उन पे एक एक आंसर लिखना है दो टॉपिक्स को पढ़ करके देख करके उन पे आंसर लिखना है ये तुम्हें चार क्वेश्चन डेली प्रिपेयर करेगा और ये तुम्हारा क्वेश्चन बैंक बन जाएगा जो तुम लोग जब मेंस के लिए पढ़ाई करोगे तब सिर्फ इतना रिवाइज कर लेना काम हो जाएगा दिस इज वन पार्ट ऑफ योर इवनिंग सेकेंड पार्ट ऑफ योर इवनिंग इज जजमेंट अच्छा तुम्हें लग रहा होगा कि सर ये तो चार घंटे का काम है अबे ये डेढ़ घंटे में हो जाता है ये दो क्वेश्चन दो क्वेश्चन डेढ़ घंटा लगता है पूरा जोड़ के डेढ़ घंटा चार बजे से बैठोगे पढ़ने आराम से साढ़े पांच बजे तक पूरी चीज खत्म बहुत हुआ तो छह बजे तक खत्म ठीक उसके बाद जजमेंट जजमेंट का एक ही रूल होता है भैया एक जजमेंट पढ़ो और दूसरा जजमेंट लिखो सीधा हिसाब डेली एक जजमेंट पढ़ो एक जजमेंट लिखो ठीक और रात के वक्त आखिरी वक्त में एकदम आखिरी वक्त दिन का वक्त सोने से पहले सिर्फ एक काम कर लेना सोने से पहले कोई ना कोई आर्टिकल पढ़ लो रिसेंट करेंट लीगल डेवलपमेंट पे कोई ना कोई ऐसे पढ़ लो उससे क्या होगा तुम लोग पर्सनल इंटरव्यू के लिए लैंग्वेज के लिए और इंटरव्यू लैंग्वेज और मेज में ऐसे राइटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाओगे दिस इज योर कंप्लीट डे नोटिफाइड जिस दिन डेट नोटिफाई हुई इस पूरे के पूरे दिन का इस पूरे के पूरे दिन का हमें क्या करना है इस पूरे के पूरे दिन को हमें करना है डबल कर दो पूरी रात में तीस तीस दिन मोर देन सफिशियंट है आपको प्रिलिम्स क्रैक करने के लिए किसी भी स्टेट का आप प्रिलिम्स क्रैक कर सकते हो क्योंकि उसी स्टेट के लिए मेन्स प्रिपरेशन तुम डेली कर रहे समझ में आया Prelims की तैयारी तीस दिन में होती है तीस दिन में थर्टी डेज में Prelims की तैयारी हो सकती है लेकिन उसी की रूल मेंस के, मेंस के ये बेसिक रूल है जिस दिन डेट नोटिफाई होगी भैया आज मेरे को पता चल गया आज चार फरवरी है अगला जो मेरा एग्जाम है वो दस मार्च का है ठीक है भैया मेरे को पता चल गया आज से मैं प्रिलिम्स की तैयारी शुरू कर देता हूं लेकिन कल तक मैं मेंस के लिए रिग्रेस पढ़ाई कर रहा था जजमेंट राइटिंग भी पढ़ रहा था लैंग्वेज भी पढ़ रहा था करंट अफेयर्स भी पढ़ रहा था ऐसे भी पढ़ रहा था भी लिख रहा था दिस विल गिव यू यू इमेंस कॉन्फिडेंस एंड दैट इज नीड फॉर योर राइटफुल प्रिपरेशन खत्म दैट्स इट प्री हो जाता है तीस दिन में जिसने मेंस की ढंग से पढ़ाई की है ऐसा थोड़ी ना है कि तुम प्री के लिए कभी पढ़ी नहीं रहे हो प्री के लिए तुम डेली पढ़ रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ द डे में और मेंस के लिए तुम लोग डेली पढ़ रहे हो सेकंड हाफ ऑफ द डे में और आपका जैसे ही प्री की डेट नोटिफाई नोटिफाई हुई प्री खत्म 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 प्री की पढ़ाई करो आई होप आप को ये पूरी चीज समझ में आई होगी आई एम हैविंग अ लिटिल पूरी चीज आई बिलीव आप लोग कैसा रखना है जस्ट डू इंश्योर दैट यू फॉलो मी ऑन टेलीग्राम क्योंकि टेलीग्राम पे मैं डेली के क्वेश्चन है वो डाल ही रहा हूं आज नहीं डाल पाया क्योंकि ये पूरा सेशन और आज का शॉर्ट शॉर्ट हमें प्रिपेयर करना था लेकिन खुद समझो ठीक साथ, साथ में मेरी स्पेशल क्लास जो है वो अभी दो बजे से है मेरी प्लस क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं सीआरपीसी की जेडब्ल्यू टेन आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अन अकेडमी का

स्पेशल क्लास दिख जाएगी आपको ज्वाइन करना होगा ज्वाइन करने के लिए वो एक की पूछेगा की इज JW10 ठीक सो दिस इज मी शुमपादेय साइनिंग ऑफ आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई फटाफट से दो तीन मिनट में मिलते हैं ऑन द ऑन द आई मीन इन द क्लास ठीक दो मिनट में फटाफट से आ जाओ ठीक है सो दिस इज मी शुमपादेय साइनिंग ऑफ टाटा बाय-बाय टेक केयर गुड इवनिंग बेलाचो एंड देन ठीक है बाय-बाय एमपी के साथ यूके